हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम से, दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो फाइलम है बच्चों, वो एनिमल किंगडम में सेकंड नंबर का फाइलम है, और सीलेंट्रेटा को हम टीनोफोरा के साथ पढ़ेंगे। तो यानी सेकंड और थर्ड फाइलम, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो सीलेंट्रेटा फाइलम है और टीनोफोरा फाइलम है, दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में ही रेडियल सिमेट्री है, दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, और दोनों में ही डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है ही नहीं तो सीलोम तो हो ही नहीं सकता, यानी एसीलोमेट हैं। तो ये फीचर्स इनके बिल्कुल कॉमन रहेंगे, ठीक है। इवन अगर आपको बताऊं तो ये जो टीनोफोरा फाइलम है ना, अगला वाला टीनोफोरा फाइलम को के बहुत ही कम मेंबर्स हैं, और इनको पहले सीलेंट्रेटा के साथ ही रखा हुआ था बहुत पहले, बट बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मिला जो दोनों में मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इसका एक नया फाइलम बनाया, दैट इज टीनोफोरा। बहुत मिलते जुलते नाम है, सी से सीलेंट्रेटा, सी से टीनोफोरा, हालांकि यहाँ सी साइलेंट है इसलिए नीट में गलत होने के चांसेस रहते हैं, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेशेंस से केयरफुली पढ़ के कि भाई ऑप्शंस में क्या लिखा है। चलो तो पहले मैं तुमको सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करवाती हूँ कि भाई कैसे आप सीलेंट्रेट्स को लर्न करेंगे। सीलेंट्रेट्स जो है ना, अब देखो पॉरीफेरा से इवॉल्व हुए हैं। इनसे पहले हमने लास्ट सेशन में पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा, जो कि बड़े आलसी से एनिमल्स थे, अपने बेस पे चिपके रहते थे। अब नेचर ने कहा कि नहीं यार, एनिमल्स को ना थोड़ा मूवमेंट करवाओ, जिससे ये इधर उधर घूमें, अपना खाना ढूंढें। तो सीलेंट्रेटा में क्या हुआ, दो तरह की फॉर्म्स मिलेंगी आपको। कुछ सीलेंट्रेट्स तो ऐसे हैं जो अपने बेस से चिपके रहते हैं, ज़्यादातर वो ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे अपना ये हाथ है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं और अपने बेस से, बेस यानी वही डेप्थ ऑफ सी में मिलते हैं ये भी, तो अपने बेस से चिपके रहते हैं। अगर इस स्टेज में है सिलेंड्रिकल, जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं पॉलिप स्टेज। क्या कहते हैं आप अपनी एनसीईआरटी में, यहाँ पर लिखोगे पॉलिप, ऐसी स्टेज जो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल है तो बट ऑबवियस अपने बेस से चिपकी हुई है, तो इस स्टेज को कहते हैं पॉलिप, जो कि ससाइल होती है। और कुछ सीलेंट्रेट्स, जब नेचर ने कहा कि भाई मूवमेंट करवाओ, तो कुछ सीलेंट्रेट्स को छतरी की तरह बना दिया, जैसे ये छतरी है और उस पे नीचे की तरफ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इस अम्ब्रेला लाइक स्टेज को कहते हैं मेड्यूसा। क्या कहते हैं? मेड्यूसा। तो पॉलिप और मेड्यूसा पे बहुत क्वेश्चन आता है, डू रिमेंबर सीलेंट्रेट्स की जो बॉडी फॉर्म है, स्पॉन्जेस तो सारे ही लगभग सिलेंड्रिकल थे, ये इररेग्युलर से थे, ये जो है सीलेंट्रेट वो या तो पॉलिप स्टेज में मिलेंगे आपको, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे किसमें, मेड्यूसा स्टेज में, यानी कि अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक। आप सबने जेलीफिश के बारे में सुना होगा, ये देखो ऐसी होती है जेलीफिश, आपको इसमें दिख रहा है ध्यान ढंग से, ये एक ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें नीचे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये ना ऐसे, वो मैंने देखा है कई सारे बच्चे जब वीडियो गेम्स खेलते हैं बचपन में, तो उनमें बीच बीच में ना ऐसे कुछ फिशेस सी तैरती हुई आती हैं, ये ट्रू फिशेस नहीं है बच्चों। अभी हम फिश बोल दिया, इसका मतलब ये मैं समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेस, वो तो बहुत बाद में आएगा। फिशेस जो ट्रू फिशेस है ना, वो पाइसीज से बिलोंग करती हैं, और वो कॉर्डेटा में आता है, वो हमारे फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो अभी जितनी भी बार मैं फिश बोलूंगी वो सब फॉल्स फिशेस हैं, ठीक है। तो ये जो जेलीफिश है, ऑरिलिया है, ये कैसी होती है, इसमें छतरी जैसा स्ट्रक्चर है, और तैरने के लिए इनको ये स्ट्रक्चर्स जो दिए हैं ना, इनको कहते हैं बच्चों टेंटेकल्स। इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन सब एनिमल्स के पास आपको मिलेंगे टेंटेकल्स। तो टेंटेकल्स मेड्यूसा स्टेज में तो है ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिप को टेंटेकल्स नहीं दिए। पॉलिप में ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना निकले हुए, ये रहे हाइड्रा के पास भी हैं, एडेम्सिया के पास भी हैं, दीज आर ऑल्सो टेंटेकल्स। तो टेंटेकल्स सीलेंट्रेटा में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे पॉलिप हो या मेड्यूसा हो। मेड्यूसा लगभग हमेशा तैरता रहता है, समुद्र में घूमता रहता है, पॉलिप नॉर्मली बेस से चिपका रहता है, बट कभी कभार ना ये वो जैसे सर्कस में वो कुलामंडी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी करता है ये जो हाइड्रा या एडेम्सिया, ये क्या करता है, इसके ऊपर लगे हुए हैं ये सारे टेंटेकल्स, ठीक है। तो इसको लगता है यार थोड़ा सा मूव करके आगे चलते हैं, तो ये ऐसे अपनी बॉडी को उल्टा कर लेता है, मतलब पहले क्या बोलेंगे इसको, आधा मोड़ लेता है, अपने टेंटिकल्स को नीचे चिपकाता है, इस बेस वाले पोर्शन को फिर ऐसे कर देता है, ठीक है। फिर दोबारा से क्या करता है, इस वाले पोर्शन को मोड़ता है, टेंटिकल्स को ऊपर ले आता है, फिर टेंटिकल्स नीचे, तो ऐसे जैसे कुलामंडी खाते हैं ना बच्चे, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी अपने टेंटिकल्स की मदद से मूव कर सकता है। तो टेंटिकल्स सबके पास होते हैं, सारे सीलेंट्रेट्स में, ठीक है। फॉर्म हो गई इनकी दो, पॉलिप या मेड्यूसा। अब आते हैं हम इनके नामकरण पे, इनका नाम सीलेंट्रेटा क्यों दिया, क्योंकि इन सब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव अ बॉडी कैविटी जस्ट लाइक स्पॉन्जेस। जैसे स्पॉन्जेस में कैविटी थी ना स्पॉन्जोसील, वैसी ही एक बॉडी कैविटी इनके बॉडी के सेंटर में भी होती है, बट उसका नाम और फंक्शंस अलग अलग हैं। इस कैविटी को कहते हैं सीलेंट्रॉन,
क्या कहते हैं इस कैविटी को? सीलेंट्रॉन। इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रॉन बेयरिंग एनिमल्स, जिनके पास सीलेंट्रॉन होता है। कैसा दिखता है ये सीलेंट्रॉन, देखो इससे तुम्हें बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जो ये हैं सीलेंट्रेट जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सीलेंट्रेट के बॉडी में भी दो लेयर्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये। जैसे स्पॉन्जेस में भी दो लेयर्स थी ना, एक बाहर की तरफ थी और बाहर की तरफ वो पोरोसाइट्स जो पोर बनाती है, और अंदर की तरफ कोएनोसाइट्स थी। यहाँ पर भी दो लेयर है, बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कह देते हैं और अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कह देते हैं, बट ये नाम तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब मैं तो ये समझा रही हूँ कि इन दोनों लेयर्स के बीच में टिश्यू होगा, मिजोग्लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेंटर में खाली जगह पड़ी हुई है, एक कैविटी है, जिस कैविटी को नाम दिया है सीलेंट्रॉन। क्या कहते हैं इस कैविटी को? सीलेंट्रॉन, ठीक है। ये रही, ये रही, इसमें भी है, ऐसा नहीं कि मेड्यूसा में नहीं है, मेड्यूसा में भी ये रही, देखो सीलेंट्रॉन, दिस इज द सीलेंट्रॉन, ठीक है। ये काम क्या करती है? इन्होंने इसका नाम लिखा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्यों लिखा है भाई ये नाम? क्योंकि ये जो सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ये क्या करती है बच्चों, यहाँ पे अब स्पॉन्जेस की तरह पोर्स नहीं है कि इसमें लगातार पानी अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है। बॉडी भी इनकी पोरस बॉडी नहीं होती है। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया ना, इनका पिक्चर दिखाया था ना, सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, कहाँ गया ये रहा। तो इनकी कोई पोरस बॉडी नहीं है। अब इनकी बॉडी में जो सेंटर में कैनाल है, तो क्या होता है, उस कैनाल के ऊपर की तरफ एक ओपनिंग बनी हुई है। यहाँ पर एक ओपनिंग बनी हुई है, जिसको ये दिख रही है आपको एक ओपनिंग, मेड्यूसा है तो नीचे मिलेगी वो ओपनिंग, ठीक है। दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, ये देखो दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, और यही ओपनिंग इनके माउथ का काम करेगी। जैसे कोई फूड इनके आसपास आएगा, उस फूड को टेंटिकल से पकड़ेंगे और अंदर इस ओपनिंग में डाल देंगे, तो वो फूड कहाँ आ जाएगा, इस कैविटी में आ जाएगा। अगर मेड्यूसा है तो ऐसे पकड़ेगा और अंदर खा लेगा उसको, तो इस कैनाल में आ जाएगा, सेंटर कैविटी में आ जाएगा। अब इस कैविटी में आप सोचो, अगर फूड अंदर ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी भी अंदर आएगा। हमेशा ऐसे नहीं कि पानी आ रहा है जा रहा है, बट फूड अंदर ले रहे हैं तो पानी भी अंदर आएगा, क्योंकि पानी में ही है ये। तो इस कैविटी में फूड भी है, वाटर भी है। अब यहाँ पर नेचर ने थोड़ा सा इवॉल्व किया डाइजेशन को। कैसे इवॉल्व किया? नेचर ने कहा कि भाई इस कैविटी में तुम डाइजेशन कर सकते हो, अब यूज़ करो अपनी इस कैविटी को डाइजेशन के लिए। तो जो भी इनकी अंदर वाली लाइनिंग है सेल्स की, वो कुछ एंजाइम्स इसमें रिलीज़ करेंगी, हमारी तरह जैसे हम स्टमक में रिलीज़ करते हैं। तो इस कैविटी में फूड का डाइजेशन होता है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर डाइजेशन किसी कैविटी में हो रहा है तो आप उसको कहते हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इस कैविटी में तो डाइजेशन हो ही रहा है, बट क्योंकि नेचर को लगा कि यार हो सकता है पूरा इफेक्टिव डाइजेशन ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर भी डाइल्यूट हो जाएंगे एंजाइम्स, तो इसलिए अभी इनमें जो यहाँ पर सेल्स होती है ना, वो भी फूड को अंदर लेकर उसका भी डाइजेशन करती हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और प्लस इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। ये जो दोनों भाई भाई हैं, सीलेंट्रेट और टीनोफोरा, यही दो फाइलम ऐसे हैं जहाँ आपको दोनों तरह का डाइजेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर। क्योंकि इनसे पहले स्पॉन्जेस में हमने पढ़ा था सिर्फ इंट्रा सेलुलर था, और इनके बाद जो प्लेटी हेलमिंथीज आएंगे वहाँ से तो एलिमेंट्री कैनाल बन जाएगी, तो वहाँ से तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर शुरू हो जाएगा, ध्यान रखोगे ना। तो यहाँ पर दोनों तरह का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, क्लियर। तो क्या इस कैविटी के लिए गैस्ट्रो वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम? यू नो गैस्ट्रो वर्ड स्टमक के लिए आता है, गैस्ट्रिक जूस। तो क्योंकि ये कैविटी डाइजेशन में यूज़ हो रही है तो गैस्ट्रो, और इस कैविटी के थ्रू जैसे मान लो ये सेल्स हैं, इनको कुछ ट्रांसफ़र करना है तो इस इधर डाल दिया और वो दूसरे तक पहुंच गया, तो सर्कुलेशन के लिए भी वो इसको यूज़ करते हैं। तो सर्कुलेशन के लिए वैस्कुलर टिश्यू हो गया, जैसे हमारा वैस्कुलर टिश्यू क्या है? ब्लड। प्लांट्स का वैस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम फ्लोएम। इनका वैस्कुलर क्या है? ये सर्कुलेशन के लिए कैविटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। रटना नहीं है, समझना है। तो सीलेंट्रॉन के दो फंक्शन भी याद हो गए तुम्हें, डाइजेशन प्लस सर्कुलेशन, और इसका दूसरा नाम भी याद हो गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। सेम ऐसी ही सीलेंट्रॉन बच्चों टीनोफोरा में भी होती है, जो नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे, जो उसका ब्रदर फाइलम है। इसीलिए टीनोफोर्स को पहले यहाँ रखा हुआ था कि भाई ये तो सीलेंट्रेटा ही है, सीलेंट्रॉन है उनके पास, तो उनको यहाँ रखा हुआ था। लेकिन अलग क्यों किया, अब समझना तुम इसका दूसरा फीचर, कि जो इस फाइलम का दूसरा नाम है दैट इज निडेरिया। मैंने आपको कहा था ना कि निडर होते हैं बड़े, ठीक है। जस्ट मतलब ये निडर से नहीं बना निडेरिया, जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो ये निडेरिया वर्ड कैसे क्यों यूज़ होता है इनके लिए? इस फाइलम का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अच्छा एक मिनट रुको, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें, कि जिस ओपनिंग को ये माउथ की तरह यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, इसी ओपनिंग को ये एनस की तरह भी यूज़ करेंगे।
जो भी इनका अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा या जो भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इसी के थ्रू बाहर निकालेंगे, ठीक है। पानी में भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं गैसेस को और इसके थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं। आप तो यूँ समझ लो कि अनडाइजेस्टेड फूड यहीं से बाहर निकलेगा। तो ये एनएस भी हुई ना इनकी, तो यहाँ पर देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग। पॉरीफेरा में तो बहुत सारी ओपनिंग्स थी, यहाँ पर सीलेंट्रेटा में देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग, वही सेम टीनोफोरा में होगा, और जो कि किसकी तरह एक्ट करेगी, बोथ माउथ एंड एनस। तो लगभग इनकम्प्लीट टाइप का की कैविटी हुई है, ठीक है। अब आ जाओ उस पॉइंट पर कि इनका दूसरा नाम मिडेरिया क्यों पड़ा। क्योंकि बच्चों इनके पास एक बहुत स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट, सी साइलेंट नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स। सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा? सीलेंट्रॉन की वजह से, सीलेंट्रॉन की वजह से, ठीक है। और निडेरिया नाम क्यों पड़ा? नीडोब्लास्ट की वजह से। ये देखो ये लिख रहा है एनसीईआरटी में कि द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट, जिसको कि नीडोसाइट भी कह देते हैं। ब्लास्ट थोड़ी इमेच्योर होगी, साइट थोड़ी मेच्योर हो जाएगी, यू नो ना, जैसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट तो वो अभी इमेच्योर है, इरिथ्रोसाइट मेच्योर हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रियोसाइट। तो कहीं भी ये ब्लास्ट या साइट वर्ड आ जाए, समझ जाना किसी सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो या तो इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट, या इसको कहते हैं नीडोसाइट, या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम भी लिख लेना, इसको निमेटोसाइट भी कहते हैं बच्चों, निमेटोसाइट, और या फिर कॉमन लैंग्वेज में स्टिंगिंग सेल्स। नीमा वर्ड मैंने आपको कई बार बताया धागे के लिए यूज होता है। ये एक ऐसी सेल है जो अपने अंदर एक स्पेशल टाइप का धागा रखती है, और जब भी इनको लगता है कि कोई दुश्मन आया है या कोई शिकार आया है जिसको हम पकड़, मतलब कोई प्रे आया है जिसको हम पकड़ सकते हैं, तो ये अपने उस धागे को बाहर रिजेक्ट कर देती हैं, उससे एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करती हैं जिससे वो दुश्मन या इनका खाना बेहोश हो जाता है, और फिर टेंटिकल्स पकड़ के उसे अंदर ले लेते हैं। इसलिए इन सेल्स का नाम है, जैसे बिच्छू डंक मारता है किसी को मारने के लिए, स्टिंग करता है वैसे ही, या कोई भी मधुमक्खी स्टिंग करती है वैसे ही, इनके पास ये स्पेशल सेल्स हैं जिससे ये स्टिंग करते हैं अपने दुश्मन को या अपने शिकार को, तो इसको कहते हैं स्टिंगिंग सेल। कैसी होती है ये? ये देखो आपके एनसीईआरटी में ये फोटोग्राफ दिया है, नाम लिखा हुआ है नीडोब्लास्ट, चार नाम बता दिए मैंने, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, निमेटोसाइट या स्टिंगिंग सेल्स। ये देखो, ये इसमें ना इन्होंने लेबलिंग नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेबल डायग्राम डाल दिया है। ये पूरी एक सेल है, इस सेल की एक, अभी सोचो ये बाहर नहीं है कुछ भी, ये सब चीज़ें अंदर है, ठीक है। इस सेल की एक खासियत होती है, इस सेल के अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रहा इसका कैप्सूल, आप एनसीईआरटी में लेबल कर लेना। इस कैप्सूल को कहते हैं निमेटोसिस्ट, सेल का नाम है निमेटोसाइट, कैप्सूल का नाम है निमेटोसिस्ट, सिस्ट मतलब एक कवरिंग, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी कैप्सूल के अंदर ये जो धागा है ना, ये अंदर रहता है बंद, ठीक है, जब तक इसको काम नहीं करना सेल को। तो ये जो इनका थ्रेड, इसको थ्रेड ट्यूब बोल सकते हो, इस थ्रेड ट्यूब में क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है हिप्नोटॉक्सिन, इसके अंदर भरा हुआ है हिप्नोटॉक्सिन। जब भी ये धागा बाहर आएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उससे ये इस टॉक्सिन को रिलीज कर देती है हिप्नोटाइज करने के लिए, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। और क्या होता है, इस धागे को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड लैसो, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है तो लेबलिंग करने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज लैसो, ये तुम कर लेना लेबलिंग्स। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, फाइब्रिल्स या फाइबर्स, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो ये इसमें इधर दिखाया है उसमें उधर दिखाया है, ये ऐसे बंद कर रहता है, जब भी लगता है इनको कोई आया तो इसको खोल के इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑपरक्यूलम, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। अब तुम कहोगे मैम इनको पता कैसे चला कि कोई शिकार आया है या कोई दुश्मन आया है, तो उसके लिए दिख रहा है आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है निडोसिल, ये इनका स्पेशल स्ट्रक्चर है। यू नो पॉरीफेरा जो थे ना, वहाँ तक कोई नर्वस सिस्टम जैसी चीज़ नहीं थी। इवन पॉरीफेरा क्या, तुम अभी तक जितने भी किंगडम्स पढ़ते आए हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, किसी में भी ऐसा कोई सिस्टम पढ़ा तुमने नर्वस सिस्टम जो तुरंत चीज़ों को सेंस कर सके? नहीं। लेकिन एनिमल किंगडम की सबसे खास बात है कि एनिमल किंगडम हैव न्यूरोमोटर एबिलिटीज़, सेंसरी एबिलिटीज़, उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। तो पॉरीफेरा जो वेरी फर्स्ट फाइलम था, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर नेचर को लगा कि यार एनिमल्स इवॉल्व हो रहे हैं, इधर उधर घूमेंगे तो उनको पता तो चलना चाहिए कि खाना आया उसको पकड़ना है, तो इसलिए नेचर ने इसी फाइलम से नर्वस सिस्टम को बनाना शुरू किया। हालांकि ये मत सोचना कि सीधा इनमें ब्रेन बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, सिर्फ पूरी बॉडी में
नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, सिंपली नर्व नेट होता है, जिससे इनकी बॉडी में सेंसेस को रिसीव करने की ताकत आ जाती है, ठीक है। तो उसी का एक स्ट्रक्चर है निडोसिल। तो ये निडोसिल, ये जो निडोसिल आपको दिख रहा है, ये निडोसिल इस सेल का सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ही कोई भी दुश्मन या कोई भी खाना इस निडोसिल को टच करेगा, ये स्टिम्युलेट हो जाएगा, ठीक है, और ये मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ऑपरक्यूलम खुल जाएगा, धागा बाहर आ जाएगा, हिप्नोटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा। अगर दुश्मन है, बेहोश हो गया, तो ये वहाँ से भाग लेंगे, और अगर खाना है, उसको बेहोश कर दिया, तो टेंटेकल से पकड़कर खा लेंगे, ठीक है। तो ये सेल इनको दो काम में मदद कर रही है ना, ये सेल इनको डिफेंस में भी मदद कर रही है, और ये सेल इनको प्रे कैप्चर करने में भी मदद कर रही है। तो ये दोनों फंक्शंस हुए इस सेल के। पूछते हैं नीट में, देखो क्या लिखा है कि ये जो इनकी स्पेशल सेल हैं, विच कर्न, इन सेल्स की खासियत क्या है, इनके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जिसको कहते हैं निमेटोसिस्ट, निमेटोसाइट नहीं, निमेटोसिस्ट, प्रेजेंट ऑन द, अच्छा अब ये सेल्स कहाँ होती हैं बच्चों, अगर हम इस कोई भी एक इसको देखें, सिलेंट्रेट को देखें, तो इसकी पूरी बॉडी की एपिडर्मिस पर जगह जगह ये सेल्स होती हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में बना देती हूँ, यहाँ पर बीच बीच में ऐसे निडोसिल्स होंगी, ठीक है। एक तो पूरी बॉडी की आउटर सरफेस पर होती हैं हर जगह, ठीक है, और टेंटेकल्स पे भी लगी रहती हैं ये सेल्स। ये सेल्स कहाँ लगी रहती हैं, ऐसे टेंटेकल्स पे भी लगी रहती हैं। तो तुरंत पता चल जाता है इनको कि कोई दुश्मन या शिकार आया है क्या, ठीक है। तो ये भी पूछा था एक बार नीट में, हाईलाइट करना, दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी, टेंटेकल्स पे भी हैं और पूरी बॉडी पर भी हैं। निडोब्लास्ट क्या करती हैं, ये सेल्स आर यूज्ड फॉर, तीन फंक्शंस याद रखने हैं आपको, डिफेंस तो मैंने बता ही दिया, कैप्चर ऑफ प्रे भी बता दिया, एक और फंक्शन है एंकोरेज, पकड़ बनाने में। ये जो इनका निडोसिल है ना, इसकी हेल्प से ये अपने बेस से को पकड़ने में भी हेल्प करती हैं, इसलिए ये फंक्शन याद नहीं रहता है हमको, बट ध्यान रखना है निडोब्लास्ट का एक फंक्शन एंकोरेज भी है, ओके। देन ठीक है, तो इन सेल्स के बारे में क्लियर हो गया, और कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप यहीं पर साइड में लिख देना ये सेल्स क्या, ये सेल्स के फंक्शंस तो आपने देख ही लिए, और इस सेल का जो डायग्राम मैंने बनाया, लिखो तो क्या हो गया लगभग, जो डायग्राम मैंने बनाया ये भी आपको लेबल करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो दे आर द, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स। ये सेल्स पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ निडेरिया के पास ही है, और हाँ यही कारण था बच्चों टीनोफोरा को इनसे अलग कर दिया, क्योंकि टीनोफोरा जो फाइलम है, टीनोफोरा जो फाइलम है, यहां पर लिख देना आप, दे लैक निडोब्लास्ट, इनमें निडोब्लास्ट नहीं होती, इनमें टेंटेकल्स होते हैं। ये देखो टीनोफोरा में ये दिख रहे हैं आपको दो निकलते हुए, ये पूरे इनके टेंटेकल्स हैं, दो ही टेंटेकल्स हैं इनके पास, लेकिन इनमें निडोब्लास्ट नहीं है, इसलिए टीनोफोरा को अलग कर दिया कि भाई इनके पास तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही नहीं है सीलेंट्रेटा का, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए आपको, सीलेंट्रॉन है दैट एक्ट एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और निडेरिया नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ निडोब्लास्ट, ठीक है। अब जनरल फीचर्स पे आ जाते हैं। जनरल फीचर्स हमने पढ़े, पानी में रहेंगे, मोस्टली मरीन है, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, हाइड्रा जो सबसे कॉमन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है बच्चों, कहाँ लिख रखा है इन्होंने एग्जांपल्स में, हम ऐड कर देते हैं, हाइड्रा जो है इट इज़ फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट, ये फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। देन ससाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, पॉलिप स्टेज ससाइल होती है, मेड्यूसा स्टेज फ्री स्विमिंग होती है। सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, डिप्लोब्लास्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में नेक्स्ट क्या आएगा, दे हैव सेंट्रल, इसको हाईलाइट करना, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है इस कैविटी में, और दैट ओपनिंग इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम, हाइपो मतलब नीचे, स्टोम मतलब ओपनिंग, तो जहां माउथ है उसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम पे क्या लगी हुई, एक सिंगल ओपनिंग लगी हुई है, दैट इज माउथ, और इसी को आप लिख दो, माउथ ऑल्सो एक्ट एज एनस, ठीक है। डाइजेशन क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, अब जनरल फीचर्स पे आ जाते हैं इनके, डाइजेशन रेस्पिरेशन वगैरह। तो डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ होगा, इन, यहीं पे लिख लेते हैं ना, इन दिस जीवी कैविटी, ठीक है, सिलेंट्रॉन में होगा। इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर होगा। नाउ और बाकी फंक्शंस कहाँ गए इनके, रेस्पिरेशन वगैरह इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा, बट अंडरस्टूड है, ध्यान रखना भाई, अभी एनिमल्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं बने हैं, अभी तो टिश्यू लेवल चल रहा है ना, तो यहाँ पर जो भी इनको काम करने हैं सब बॉडी सरफेस से होगा,
सांस लेना है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज है, बॉडी सरफेस से हो जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालने हैं, वही बॉडी सरफेस से हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए कैविटी भी है और जो भी सेल्स को करना है वो थोड़ा बहुत आपस में भी कर सकती हैं। तो सारे फंक्शन सिंपली बॉडीज के थ्रू हो रहा है, कोई ऑर्गन इनमें नहीं बना है। ठीक, देन स्केलेटन की बात अगर हम करें तो स्केलेटन के लिए सारे सीलेंट्रेट्स में तो नहीं होता बच्चों स्केलेटन, बट कुछ सीलेंट्रेट्स में, कुछ निडेरियंस में कैल्शियम कार्बोनेट का एक पूरा स्केलेटन चारों तरफ से बॉडी को घेरे रहता है और ऐसे सीलेंट्रेट्स को कहा जाता है कोरल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरल्स हाईलाइट कर दो इस पॉइंट को। कोरल्स हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये वर्ड कई बार बायो में कई सारे चैप्टर्स में आता है तो आपको ध्यान नहीं रहता कोरल्स क्या है। तो कोरल्स सीलेंट्रेटा का ही एक ग्रुप है जो ऐसे सीलेंट्रेट्स हैं जिनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट है। डू रिमेंबर, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये रहा, दिस इज ब्रेन कोरल। ये आपको बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसी नहीं दिख रही तो इसका कॉमन नेम ही रख दिया है ब्रेन कोरल। नीचे में आता है, कई बार आता है, साइंटिफिक नेम है मियांड्रिना, मियांड्रिना, लेकिन इसको ब्रेन कोरल कहते हैं। ऐसे बहुत सारी कलरफुल, रेड कोरल, येलो कोरल, ऑरेंज कोरल्स, बहुत कलर की कोरल्स होती हैं। और आपने अगर इकोलॉजी जिस बच्चे ने पढ़ रखी है उसने पढ़ा होगा, इकोलॉजी में एक इकोसिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कोरल रीफ। अगर आपने कभी, आपको शौक हो डिस्कवरी चैनल वगैरह का, तो जब उसमें सी लाइफ दिखाते हैं ना, मरीन लाइफ, तो नीचे समुद्रों में ऐसे ना कलरफुल स्टोन्स दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर की चट्टा, कोई रॉक है बड़ी और उस पर कोई किसी ने कलर कर दिया है, तो वो कलर नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब जो कोरल्स के स्केलेटन होते हैं ना वो आपस में चिपक जाते हैं और वो वहाँ पर एक बेस बना देते हैं। तो जिन भी एनिमल्स को बेस की ज़रूरत है वो उस कोरल रीफ पे आराम से ग्रो करते रहते हैं, मतलब उससे चिपक जाते हैं। उनके चारों तरफ फिशेज वगैरह भी घूमती रहती हैं, एल्गी भी उन पर ग्रो कर जाती हैं। तो ऐसे करके पूरा इकोसिस्टम समुद्र के अंदर क्रिएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ किसने बनाया? इन्हीं कोरल्स ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोरल्स याद रखना है, कोरल्स में जो एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है दैट इज मियांड्रिना, ये रहा ब्रेन कोरल, बट देयर आर सो मेनी कलरफुल कोरल्स आल्सो। देन और क्या है भाई यहाँ पर, बॉडी फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो निडेरियंस हैं वो दो तरह की बॉडी फॉर्म में होते हैं, पॉलिप होते हैं या मेड्यूसा होते हैं। अच्छा हाँ, अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से निडेरियंस हैं जो पॉलिप स्टेज में है और वो कौन से हैं जो मेड्यूसा में है। तो आपकी एनसीईआरटी में पॉलिप स्टेज में एग्जाम्पल दे रखा है एडेम्सिया का, एडेम्सिया, ये रहा एडेम्सिया, बिल्कुल हाइड्रा के जैसा ही दिखता है, बस हाइड्रा पतला है, एडेम्सिया मोटा है। हाइड्रा पर कम टेंटिकल्स हैं, एडेम्सिया पे बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। एडेम्सिया का कॉमन नेम याद रखना बच्चों, बहुत पूछते हैं नीट में, सी एनिमोन, रट लेना इसको तो तुम, सी एनिमोन। ठीक है, तो एडेम्सिया हो गया पॉलिप स्टेज में और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है आपको हाइड्रा, ये दोनों पॉलिप्स हैं, ये पूरी लाइफ में पॉलिप स्टेज में रहते हैं। और मेड्यूसा में किसका एग्जाम्पल याद रखोगे, ये रहा ऑरिलिया। ऑरिलिया देखो, ऑरिलिया एडेम्सिया कितने मिलते जुलते वर्ड हैं। ऑरिलिया इज कॉमनली नोन एज जेलीफिश, इट इज नोन एज जेलीफिश, ये रही, दिस इज मेड्यूसा। ठीक है, दिस इज पॉलिप, दिस इज पॉलिप, क्लियर। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कोई सीलेंट्रेट भी है क्या जो अपनी लाइफ में दोनों स्टेज शो करे, कुछ समय पॉलिप स्टेज में रहे और फिर कुछ समय मेड्यूसा स्टेज में भी आए। बिल्कुल, उसका एग्जाम्पल है बच्चों ओबेलिया। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज बनाता है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कहने के लिए एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है एक फाइलम का, लेकिन अगर समझ के पढ़ो ना तो वो पूरा एक टॉपिक के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, पहले तो पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में बताया है कि जो पॉलिप है वो सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल होता है, हमेशा ऐसे याद रखना। और जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया हाइड्रा और एडेम्सिया। और जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग होता है हमेशा। अम्ब्रेला है, जेलीफिश है तो तैरती रहेगी, बट ऑब्वियस लाइक जिसका एग्जाम्पल है ऑरिलिया या जेलीफिश, एक ही बात है, जेलीफिश कॉमन नेम है, ऑरिलिया साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नाउ हाईलाइट करो, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। यानी पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो बताती हूँ। इस लाइन का सिंपली मतलब है बच्चों कि यहीं पे बता देती हूँ चलो, कि अगर हम पॉलिप और मेड्यूसा की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक सीलेंट्रेटा है जिसका नाम है ओबेलिया। तो ओबेलिया क्या करता है अपनी लाइफ में, मान लो पॉलिप स्टेज में ग्रो कर रहा है वो, पॉलिप स्टेज में ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है,
पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। तो होता क्या है कि जो इसकी पॉलिप स्टेज है ना, उस पॉलिप स्टेज में मान लो इसने एक बड बनाई, ठीक है। ये बड जब ग्रो करेगी तो ये बड ग्रो करने के बाद एक छतरी जैसी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज मेड्यूसा। तो पॉलिप ने क्या किया, बडिंग के थ्रू मेड्यूसा को बनाया। तो बडिंग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, ठीक है। अब मेड्यूसा स्टेज जब बन जाती है, छतरी जैसी स्टेज जब आ जाती है, तो उस छतरी में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगॉट बन जाता है। अब वो जो जायगॉट है वो जब अलग होगा तो वो दोबारा किस में डेवलप होगा, पॉलिप में। तो मेड्यूसा ने क्या किया, मेड्यूसा में सेक्स ऑर्गन्स हैं, यहाँ नहीं है पॉलिप के पास, मेड्यूसा में सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो उनमें मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगॉट बनेगा। और जायगॉट जब डेवलप होगा दोबारा से तो वो फिर पॉलिप स्टेज में आ जाएगा। तो मेड्यूसा ने पॉलिप को कैसे बनाया, सेक्सुअली। पॉलिप ने मेड्यूसा को कैसे बनाया, एसेक्सुअली, बडिंग से। और मेड्यूसा ने सेक्स ऑर्गन्स बना के, गैमीट बना के, फर्टिलाइजेशन से जायगॉट बना के पॉलिप को कैसे बनाया, सेक्सुअली। तो दोनों तरह से नीट में स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, उल्टा भी लिखा हुआ आ जाएगा कि पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, तो वो गलत हुआ। आपको कौन डायग्रामेटिकली ध्यान रखना है कि जो पॉलिप है वो बडिंग बनाएगा, हाइड्रा में भी तो आप ऐसे बडिंग पढ़ते हो ना, तो जो सिलेंड्रिकल स्टेज है वो बड बनाएगी, उस बड से छतरी जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा मेड्यूसा, उसमें सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, तो बट ऑब्वियस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, क्लियर। और इसी प्रोसेस को कहते हैं, लिख लो, मेटाजेनेसिस। जैसे प्लांट्स में नहीं था स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, बिल्कुल वैसे ही इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वहाँ भी तो ऐसे था, एक स्पोरोफाइटिक स्टेज होती थी जो स्पोर्स बनाती थी, फिर एक गैमेटोफाइटिक स्टेज होती थी जो गैमीट्स बनाती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना नीट में क्वेश्चन आए तो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्लांट्स का एग्जांपल पूछा है या एनिमल्स का पूछा है, उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना, ठीक, क्लियर। तो इसमें आपकी बुक में तो एक ही एग्जांपल दे रखा है बच्चों, ओबेलिया, यहाँ पर एक और ऐड कर लो, फाइसेलिया। फाइसेलिया भी करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पूछते हैं नीट में, ठीक है, क्लियर। तो तुम्हें कितने एग्जांपल्स याद करने हैं, चार एग्जांपल्स तो पॉलिप मेड्यूसा से याद कर लो, ये दोनों पॉलिप हैं, एडैम्सिया और हाइड्रा, ये मेड्यूसा है ऑरिलिया, और ओबेलिया दोनों हैं, पॉलिप भी है और मेड्यूसा में भी होता है। ये देखो इसका दिख रहा है, ये इसकी पॉलिप स्टेज दिख रही है, यहाँ पर इसकी ये नहीं छतरी जैसी स्टेज मेड्यूसा, ठीक है। और चार एग्जाम्पल और याद करने हैं, टोटल आठ एग्जाम्पल हैं इस फाइलम में। कौन से चार एग्जाम्पल, देखो वो बड़े ही डिफरेंट टाइप के हैं, एक अभी हमने ब्रेन कोरल के बारे में पढ़ा ना, एक अभी फाइसेलिया बता रही थी मैं तुम्हें, ये रहा, यू नो फाइसेलिया का कॉमन नेम है, बहुत बार पूछते हैं नीट में, एनसीईआरटी में भी दिया है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगाली होते हैं ना पोर्तुगीज लोग, तो उनमें जो सोल्जर्स होते हैं मैन ऑफ वॉर, वो एक टोपी पहनते हैं, उस टोपी को, वो टोपी बिल्कुल ऐसी दिखती है, अगर ये ऐसे मान लो किसी समुद्र में बहुत सारे फाइसेलिया तैर रहे हैं, फ्री स्विमिंग स्टेज में ये तैर रहे हैं, तो इनके टेंटिकल्स तो नीचे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पोर्तुगीज जो लोग हैं मैन ऑफ वॉर सोल्जर्स हैं, उनकी टोपियाँ वहाँ रखी हुई हैं, इसलिए इसको कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो फाइसेलिया याद रखना है, एक बिल्कुल पंखे जैसा दिखने वाला होता है गॉर्गोनिया, सी फैन, जैसे पहले के जमाने में कलम यूज करते थे लिखने के लिए, बिल्कुल वैसा होता है पेनेट्यूला, सी पेन, पेन आ रहा है ना तो पेनेट्यूला, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है ज्यादा, गॉर्गोनिया फैन, ठीक है। तो चार एग्जाम्पल आपको स्पेशल में याद रखने हैं, फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सी फैन, गॉर्गोनिया, सी पेन, पेनेट्यूला, और मियांड्रिना इज द ब्रेन कोरल। तो ऐसे करके टोटल एट एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न इन सीलेंट्रेट्स, ठीक है। ये आ गए सारे एग्जाम्पल, हाइड्रा, एडैम्सिया, इस वाली लिस्ट में नीचे ऐड कर लेना, एडैम्सिया और ओबेलिया, ऊपर तो है यहाँ नहीं है, तो टोटल आठ नाम आपको याद करने हैं, सबके कॉमन नेम भी याद करना। सीलेंट्रेटा में एग्जांपल्स पे बहुत क्वेश्चन आता है, फटाफट से इसका सिस्टर फाइलम, इसका ब्रदर फाइलम जो भी बोलो वो भी देख लेते हैं, दैट इज टीनोफोरा। ये नाम कैसे दिया भाई इनको, टीनो वर्ड का मतलब होता है इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, तुम पहचान जाओगे क्या बना रही हूँ मैं, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो टीनो मतलब होता है कोम्ब और फोरा मतलब बियरिंग, क्योंकि टीनोफोरा में कोम्ब प्लेट्स होती हैं, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक एक्सक्लूसिव फीचर है जो और किसी भी फाइलम के पास नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टीनोफोरा। कोम्ब प्लेट्स क्या होती हैं भाई, ये देखो ये जो डायग्राम है तुम्हारी एनसीईआरटी में, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनाए ना, इनमें ऐसे छोटे छोटे सीलिया भी बना दो, छोटे छोटे सीलिया लगे हुए हैं खूब सारे, और ऐसी आठ प्लेट्स इनकी बॉडी पर है, एकदम ऐसे फुटबॉल जैसी, देखो
ये हैं ये कोम जेली, इनको कॉमनली कोम जेलीज कहते हैं, तो ये बिल्कुल जेली जैसी है, समझ के खा नहीं जाना है, ठीक है। तो ये लग रहा है कहीं से देखने पर एनिमल्स हैं, बट यस ये भी एनिमल्स हैं इसी टीनोफोरा फाइलम के। तो इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाला पिक्चर मैंने इसीलिए लिया, थोड़ा जूम करती हूँ इसको, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहे हैं स्ट्राइशंस, दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के, ये गिनती में 8 कोम प्लेट्स होती हैं, फिक्स है 8 होंगी और एक्सटर्नली सिचुएटेड होंगी, 8 रोज होंगी। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि कितनी कोम प्लेट्स होती हैं इनके पास, देयर आर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स, और इन्हीं कोम प्लेट से ये लोकोमोशन करते हैं। देखा जाए तो इनके पास टेंटिकल्स भी हैं, बट लोकोमोशन के लिए किसको यूज, इसको तो फूड कैप्चर के लिए यूज करते हैं ये, कोम प्लेट्स को किसके लिए यूज करते हैं, दीज आर द कोम प्लेट्स, या क्योंकि इन पे सीलिया लगे हुए हैं ना, तो लिख लो इनको सीलियरी प्लेट्स भी कहते हैं। टोटल कितनी है, 8 एक्सटर्नली सिचुएटेड, 8 एक्सटर्नल रोज, ठीक है। और इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा टीनोफोरा, या इसका कॉमन नेम लिख लो कोम जेलीज, क्योंकि जेली की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, ठीक है, क्लियर। और या फिर इनका जो शेप है वो थोड़ा अखरोट के जैसा भी होता है, देखो अभी आपने देखा, इसलिए इनको सी वॉलनट भी कह देते हैं, ये लिखा हुआ सी वॉलनट या कोम जेलीज, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। आप कहीं पर भी अपनी एनसीईआरटी में लिख देना बच्चों, शुरुआत में लिख देना एनिमल किंगडम के, बहुत क्वेश्चन आता है। 4 फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो एक्सक्लूसिवली मरीन है विदाउट एनी एक्सेप्शन, उनके सारे एनिमल्स कहाँ हैं, समुद्र में। कौन कौन से फाइलम हैं, पहला तो यही आ गया टीनोफोरा, दूसरा आप पढ़ोगे इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वाला फाइलम इकाइनोडर्मेटा, उसके जस्ट बाद कौन आता है, हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा। और एक जो कॉर्डेटा फाइलम हम पढ़ेंगे ना, उस कॉर्डेटा फाइलम में जो एक प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, प्रोटोकॉर्डेट्स। ये फाइलम नहीं हुआ, ये उसका ग्रुप हुआ, सब फाइलम कह सकते हो, ठीक है। इसमें यूरो एंड सिफेलो आते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, अभी इसको ज़्यादा ध्यान मत दो, बस लिस्ट बनवा रही हूँ, उसने लिखवाया है। तो ये जो हैं ये चारों एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। तो टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, वही सारे सेम हैं, एक तो एक्सक्लूसिवली मरीन है, वही रेडियल सिमेट्री मिलेगी यहाँ पर आपको, डिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, टिश्यू लेवल मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इनमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बट विदाउट नीडोब्लास्ट, ये हमने लिख दिया है, टेंटिकल्स प्रेजेंट बट लैक नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये उतने निडर नहीं है जितने सीलेंट्रेटा हैं, उनके पास तो नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल है, कोई भी आएगा उससे उसको मार भगाएंगे। देन डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, कहा था मैंने आपको दोनों फाइलम में सेम रहेगा, जनरल फीचर्स की बात करें तो वही रेस्पिरेशन सब कुछ वही, और इनके पास भी सीलेंट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे लिख देना आप चाहो तो, सीलेंट्रॉन प्रेजेंट, सीलेंट्रॉन प्रेजेंट, ये देखो एनसीईआरटी में दिखाई भी है, ये जो आपको हल्की हल्की रेडिश शेड में दिख रही है अंदर इनके, ये इनकी सीलेंट्रॉन है, दिस इज द सीलेंट्रॉन, ठीक है, ये रही हल्की सी दिख रही है इसमें, ये ओपनिंग है इसके लिए, क्लियर। और इनकी अगर एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है बच्चों इनकी, आपको ध्यान है मैंने आपको जब वो पढ़ाया था डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा किंगडम, तो वहाँ एक नॉक्टिल्यूका लिखवाया था नाइट टॉर्च, कि अगर बहुत सारे नॉक्टिल्यूका समुद्र में हैं तो ऐसा लगता है किसी ने बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगा दिए हैं, क्यों, क्योंकि वो रात में चमकते हैं, क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, बायोल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल वैसे जैसे जुगनू चमकता है, जुगनू एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल वैसी ही चमकने वाली प्रॉपर्टी इस फाइलम में भी होती है, ये देखो दिख रहा है ना, ये रात में चमकते हैं, दे एमिट द लाइट इन डार्क, दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, हाईलाइट कर दो इसको, तो बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग, बायो क्यों आया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ल्यूमिनेसेंट जैसे मेटल्स ल्यूमिनेसेंट होते हैं, एमिट लाइट, चमकते हैं, ठीक है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, पूछते हैं ये भी, क्लियर। तो इनके एक्सक्लूसिव फीचर्स में हो गए एक तो कॉम्प्लेट्स और एक बायोल्यूमिनेसेंस, क्लियर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी है, तो ये बाइसेक्सुअल, देखो लिख रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि बाइसेक्सुअल हैं, कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिर्फ शुरुआत, ये एक ऐसा फीचर है जो दोनों में मैच नहीं कर रहा, दोनों ये जो दोनों भाई भाई वाले फाइलम है उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सीलेंट्रेटा में पढ़ा था ना हमने, या नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, देखिए जरा ये रहा पॉलिप, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा, और ना सिर्फ पॉलिप, अगर नॉर्मली भी कोई है तो ये बडिंग वगैरह करते हैं, यहाँ लिख देना तुम,
सिलेंट्रेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होती है। हाइड्रा में तो पढ़ते ही हो तुम, बडिंग कितनी बार आता है एनसीईआरटी में। इवन हाइड्रा में थोड़ी बहुत रीजनरेशन की भी पावर होती है, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। तो इनमें तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन टीनोफोरा में नहीं है। टीनोफोरा से ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आएंगे, आगे कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे प्लैटीहेलमिंथीज वगैरह में, बट यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर ये आया हुआ है क्वेश्चन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज बनेगी, लार्वा प्रेजेंट। और एक बात बताती हूँ, ये वाला फीचर भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है ना, एक्सक्लूसिवली मरीन ग्रुप है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो चार ग्रुप तो तुम्हें ऐसे ही याद हो गए। स्पॉन्जेस में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, बट इनमें इवन हाइड्रा सिलेंट्रेटा में भी इंटरनल होता है बच्चों। सिलेंट्रेटा में भी एनसीईआरटी में ना ऐसे ही करते हैं, कोई पॉइंट लिख देते हैं, कोई उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल। सीलेंट्रेट्स बाइसेक्सुअल हैं, सीलेंट्रेट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और सीलेंट्रेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा प्रेजेंट है। लेकिन टीनोफोरा बाइसेक्सुअल है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, पर डेवलपमेंट में लार्वा बनाएंगे क्योंकि अभी लोअर एनिमल्स में ही है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बाइसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विच फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, और प्लस डेवलपमेंट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट। अभी सब में चलेगा लार्वा, तो अभी और भी आगे कुछ फाइल आएंगे वहाँ तक लार्वल स्टेजेस बनेंगी। दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन से, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा। प्लूरोब्रैकिया को सी गूजबेरी भी कहते हैं, इसका शेप थोड़ा गूजबेरी जैसा भी होता है, सी वॉलनट भी कह देते हैं, सी गूजबेरी भी कह देते हैं। ये तो तुरंत पहचान जाते हो तुम, टीनोफोरा टीनोप्लेना मिलता जुलता नाम है, प्लूरोब्रैकिया थोड़ा सा और याद कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक, एक बार क्विकली इसको समराइज कर लेना, सारे फीचर्स मैंने कई बार बता दी तो होपफुली अब तुम्हें याद हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट द फ्लैटवर्म्स प्लैटीहेलमिंथीज़।